तो भाई साहब, अंदाजे से हमने ऑर्डर किया हुआ था खाना, और क्या आया ये हमको भी समझ नहीं आ रहा। ये एग का ही कुछ बनाया हुआ है इन्होंने, एग और चीज़ डाल के। ये इनकी कोई ब्रेड हो गई, और कॉफ़ी जो है ब्रेकफास्ट के साथ में फ्री थी। और ये जो डिश है ना, इसका नाम है क्रीमी शाकशोका 3200 टेंगे, और कॉफ़ी ब्रेकफास्ट के साथ में फ्री है। और ये पानी की बोतल मंगाई थी, अलग ही पानी की बोतल दे दी इनने हमें। पता नहीं यार कैसी बोतल है, मतलब कांच की, इसको हम ले जा भी नहीं सकते। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अदर व्लॉग। तो अभी जस्ट हॉस्टल से निकले हैं, हॉस्टल के पास में एक कैफे था तो आ गए ब्रेकफास्ट करने। वैसे जो इंडियन रेस्टोरेंट है अपना, वो 12 बजे दोपहर में ओपन होता है, और तो अभी लगभग 10:30 हो रहा है, वो ओपन हुआ नहीं है। और हमको आज जाना है एक दूसरी जगह है, माउंटेन्स की तरफ थोड़ा जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। मेड्यू एंड शिमलोक करके जगह जो है ना, वहाँ जा रहे हैं थोड़ा एक्सप्लोर करने। वहाँ पे बेहतरीन बर्फ वर्फ और पहाड़ और केबल कार वगैरह जो है वो चलती है। और अभी बस ब्रेकफास्ट करने आए। इससे पहले क्या हुआ, हम गए मैकडोनल्ड्स में, ठीक है, यहीं पे सामने है मैकडोनल्ड्स। तो भाई उससे हम कह रहे हैं वेज, ट्रांसलेट करके कह रहे हैं उसको, वेज चाहिए वेज। कह रहा अभी चिकन, उल्टी सीधी बात है। तो जान पूछ के दिमाग खराब हो गया, अपनी साड़े क्या कह रहा है, तो उल्टी सीधी बात है। तो ये फिर वहाँ से निकला, यहाँ फिर यही मिला एग वाला, वेज तो कुछ मिला नहीं। तो ये था अपना पाउच टैग, और इसमें मशरूम, चीज़, और ये कोई ब्रेड है इनकी पता नहीं, और कॉफ़ी फ्री है भाई ब्रेकफास्ट में। तो भाई जितना हमें हिसाब किताब समझ आया, अभी हम यहाँ पर कांटे वगैरह से खाई रहे थे, ये है ब्रेड। और ये जो एग है ना, हमने बताया पाउच्ड एग है, मतलब वही हाफ फ्राई टाइप का अपना। तो इस तरीके से चीज़ है, इसमें मशरूम है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ऐसे खाएंगे ब्रेड से, यही तरीका है खाने का इनका, और कुछ नहीं हो सकता। और बाकी भाई ये जो रेस्टोरेंट है, यहाँ देखो बाहर का व्यू है पूरा बढ़िया से, ये मेन रोड है, बस आगे जाके अपना हॉस्टल है। ये है यहाँ का अंदर डेकोरेशन, डेकोरेशन भी बढ़िया है भाई इस रेस्टोरेंट का। और सामने वो टीवी भी लगी है, बच्चे अच्छे खूब यहाँ पर अभी टीवी भी देख रहे थे, कार्टून देख रहे थे। और यहाँ पर देखो प्लेइंग एरिया दिया हुआ है ऐसे बच्चों का, बस बच्चे जो है मस्त मजे काट रहे हैं। देखो भाई अपना ब्रेकफास्ट हो गया है। वैसे मेन हमें ब्रेकफास्ट करने की आज इसलिए जल्दी थी, हुई तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि ऐसा एकदम एक्सट्रीम वेदर में हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा हो गया है, जुकाम स्टार्ट हो रहा है और बॉडी पेन हो रहा है। तो बस अभी टैबलेट वगैरह सब हम तो साथ में ही लेकर चले थे इंडिया से, पता था कि कुछ भी हो सकता भाई, क्योंकि एकदम डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट वेदर में हम लोग जा रहे हैं, तो बॉडी तो रिएक्ट करेगी ही करेगी। तो उस हिसाब से अभी बस दवाई वाई खाते हैं, उससे यहाँ से निकलते हैं, सीधा कैब करेंगे, कैब से ही चलेंगे, फालतू का बस वस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मेड्यू करके जगह है, वहाँ से जाएंगे, और वहाँ एक केबल कार चलती है, वो जाएगी शिमलोक, जो यहाँ की माउंटेन्स वगैरह, बहुत शानदार है भाई वो जगह, वो छोड़ नहीं सकते। आज लास्ट डे है हमारा यहाँ पे अल्माटी में और कजाकिस्तान में, तो सोच रहे हैं इसको और एक्सप्लोर कर लेते हैं, नहीं तो ये रह जाएगी। तो ये रही अपनी गाड़ी एसेंट Hyundai की, अभी कैब की हुई है बुक, अभी कैब करके निकल गए हैं। और जो भी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया ना, उसका बिल पता है कितना आया, लगभग 4600 टेंगे, 4 या 600 टेंगे, इंडियन करेंसी बनता है लगभग 800 के समथिंग। और वो जो पानी की बोतल ली थी ना, हम लेके भी आ गए, एक तो कांच की पानी की बोतल दे दी इन्होंने, पता है ये पानी की बोतल कितने लीटर की है, ये तो 500 ml की है। और भाई ये पानी की बोतल 183 रुपये की है, इंडियन करेंसी में 183 रुपये, भाई बहुत महंगा पानी इधर बड़ा महंगा है सही में पीना। किसी रेस्टोरेंट में 109 की है, किसी में, मतलब एयरपोर्ट से महंगा पानी मिलता है भाई यहाँ। और कैब्स का भी एक अलग सीन है, हम बता देते हैं। अब क्या है कि जैसे आप कैब बुक करोगे यहाँ पे, तो क्या होगा, कैब वाला आ जाएगा, वो आसपास कहीं खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इन लोगों का अपना हिसाब किताब रहता है कुछ, मतलब सिग्नल रोड्स के हिसाब से वो खड़ा हो जाता है, कोई कॉल नहीं करेगा उसमें, आपको ऐप में देखना पड़ेगा। इनका एक लिमिटेड फ्री टाइम है, 2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट ऐसा रहता है, उसके बाद वहाँ पे चार्जेस जुड़ने शुरू हो जाते हैं टेंगे में, अगर आप नहीं जाते। इसलिए भाई कैब जब भी आती है हम बहुत ध्यान देते हैं, जाते हैं सीधा ढूंढते हैं कहाँ है, मैप पे देखते हैं, और फिर खुद कैब के पास। वैसे कहीं कहीं ऐसा होता है कि बिल्कुल पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पर खड़े वहीं आ जाती है, और कहीं कहीं ऐसा होता है वो रोड्स के यहाँ पे जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो एक बार जुड़ गए थे हमारे 150 के आसपास चार्जेस, 150-200 टेंगे जुड़ गए थे चार्ज उसमें। तो महंगाई तो हमने आपको बता दी, अब चलो यहाँ की सुंदरता दिखाने की बारी है। तो भाई ये है अल्माटी का, वो जो माउंटेन्स वगैरह देख रहे हो ना, वहीं जा रहे हैं हम लोग। लगभग 16 किलोमीटर की दूरी है, और 2500 टेंगे यहाँ पर हम लोगों का जो है चार्ज लग रहा है इसमें कैब में।
भाई ये ग्लास काफ़ी गंदा हो गया था और नज़ारे मतलब उतना सही कैप्चर नहीं हो पा रहा था, तो हमने थोड़ा बोला जो कैब के ड्राइवर हैं, तो ये देखो भाई किस तरीके से यहाँ पर साफ़ सफाई होगी अब मिरर की, अपने जो ग्लास है उसकी इस तरीके से साफ़ सफाई होती है यहाँ पर, ऐसे बर्फ़ बर्फ़ मार दी, उसके बाद अब वाइपर चलेगा इस पर। ये देखो ये भाई यहाँ की निंजा टेक्निक है यहाँ के ग्लास व्लास साफ करने की। मंजिल से खूबसूरत रास्ता रहा भाई, अभी आपने देखे ही नज़ारे, अल्टीमेट अल्टीमेट नज़ारे थे। और अभी ये रास्ता हम लोगों का ख़त्म नहीं हुआ है भाई, अभी तो यहाँ से हम लोग केबल कार से जाएंगे और ऊपर की साइड, अभी आए हैं हम लोग ये मेडियो करके एक जगह है, मेडियो आए हैं, मेडियो में केबल कार जहाँ से चलती है उस जगह है। चलो यहाँ का एक बार आपको ओवरव्यू दिखाते हैं, फटाफट केबल कार लेके चलते हैं और ऊपर। तो भाई ये वाली रोड है इससे भी हम लोग आए हैं और रास्ता आपने देखा बहुत ही ज़बरदस्त था। अब नज़ारा देख लो यहाँ का, ये है नज़ारा यहाँ का, बहुत ही तगड़ा बहुत ही शानदार। बाकी अभी हम लोग जो आए हैं ना, अभी रास्ता ख़त्म नहीं हुआ, ये जो केबल कार आप देख रहे हो इससे अभी हम लोग और ऊपर की साइड जाने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी आ गए, यहाँ से ये केबल कार चलती हैं और ये देखो यहाँ पर सजावट है, क्रिसमस ट्री वगैरह, और वो जो लिखा है कासा टिकट, कासा, वो कासा टिकट पर ही चलना है अपन को, वहीं जाकर टिकट मिलेगा इस केबल कार का। तो भाई ये है यहाँ की टिकट, 6000 टेंगे की हमको मिली हुई है, ये देखो 6000 टेंगे मतलब इंडियन करेंसी में लगभग 1100 रुपये, ये यहाँ से टिकट हमने ले ली है और इसमें आना जाना दोनों चीज़ें हैं। वैसे जब हम यहाँ पर टिकट ले रहे हैं ना, तो हमने उनसे पूछा हमने आने जाने का, हमने इंग्लिश में पूछा, तो वो यहाँ आते रहते हैं ना भाई, इंडियन टूरिस्ट भी बहुत आता है, तो कहती आना जाना, हमने यस यस आना जाना, दोनों चीज़ें हैं इसमें। और ऊपर तक है वैसे एक और थी, शायद 3500 टेंगे की थी, बट वो बीच में अलग 2-3 इनके स्टेप्स हैं अलग अलग ऊंचाई के हिसाब से, 1-2-3 ऐसा समथिंग कुछ है, तो उस हिसाब से टिकट्स का प्राइस। अपनी सबसे ऊपर तक का दे दो हमको, तो शिम्बुलक जो यहाँ का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है ना, जो माउंटेन है, वहाँ जाना है हमको, तो भाई सब देखना है क्या है क्या नहीं। और वैसे यहाँ पर ऊपर की साइड में स्नो स्केटिंग वगैरह ये सब होता है, तो स्की वगैरह का सामान भी यहीं मिल जाता है रेंट से, और उसके कुछ चार्जेस अलग होते हैं, बट अगर आता है करना तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आपको वो सीखने का अलग पैसा देना होगा और ये इसका रेंट अलग देना होगा। तो ये लो भाई ये केबल कार आ रही है, इस तरीके से लोग बैठ के यहाँ निकल रहे हैं फटाफट, अपन भी देखते हैं भाई बोर्ड करते हैं, और जो लोग इसकी वगैरह ये सब लेके आए हैं ना अपना सामान इधर रखने का, उनका हिसाब किताब बना रखा है इन्होंने। चलो चल लेते हैं इन्हीं के संग में, निकलते हैं भाई बैठ के बढ़िया। तो ये लो भाई इसकी गेट जो है ऑटोमेटिक बंद हो गए हैं, ये सही है सिस्टम। ओ भाई और निकले हैं भाई इसमें हम लोग, तगड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है यार ये तो। और नीचे देखो ये है रोड जो हमने दिखाई थी ना, जिससे हम लोग आए थे। भाई अभी अपन पहुंच चुके हैं यहाँ पर शुम्बलक में, तो पहुंचे हैं, बट यहाँ पर 2-3 फेसेस है, मतलब जो यहाँ पर केबल कार चलती है ना, अभी इस वाली से आए हैं इसने यहाँ उतारा है, उसके बाद यहाँ से दूसरी केबल कार लेनी होगी, वो और ऊपर की साइड लेके जाएगी, उसी का अपन ने पे किया है। ये वाली केबल कार से आए हैं, लगभग 21 मिनट लगा इससे आने में, और यहाँ से अब ये दूसरी केबल कार लेंगे और ऊपर जाने के लिए। बाकी यहाँ पर ये देखो काफी कैफे वैफे ये सारी चीजें बनी हुई है, और साथ ही में यहाँ पर स्की वगैरह यहाँ पर होता है ऊपर की साइड में। चलो अपन लेते हैं दोबारा से ये वाली केबल कार और ऊपर चलते हैं। तो ये भी दूसरी यहाँ पर केबल कार लेके निकल ली है, और ये वैसी केबल कार है इससे अभी हम लोग आए थे, और एक यहाँ पर ऐसी ओपन वाली भी केबल कार मिलेगी आपको, तो हमने तो वाली ली नहीं क्योंकि हमें भाई इतना भी ज्यादा एडवेंचर चाहिए नहीं अभी फिलहाल।
भाई ये ड्रोन शॉट्स आपको कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना। ये हमने पता है अभी लिए थे नीचे की साइड, मतलब यहाँ पर ड्रोन शॉट वगैरह आप ले सकते हो। यहाँ पर कुछ लोग हैं, कैमरा वैमरा वाले भी हैं, ड्रोन वाले भी हैं। तो 5000 टेंगे भाई ने चार्ज किया अपन को और उसमें आप ये ड्रोन शॉट ले सकते हो। बाकी अभी अपन आ चुके हैं ये ऊपर की साइड में, केबल कार से उतर गए हैं और यहाँ व्यू देख रहे हो, पूरा बर्फ ही बर्फ भाई साहब, पूरा बर्फ। और ऐसा नहीं है था ज्यादा ठंड है, ज्यादा ठंड भी नहीं है, मतलब है ही नहीं इतनी ठंड लग नहीं रही है। मतलब मुश्किल से वही होगा -2 या 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होगा और हल्की हल्की हवा चल रही है, वो जरूर ठंडक का एहसास दिला रही है, लेकिन वैसी कोई ठंडक नहीं है। देखो पूरा बर्फ ही बर्फ है, बर्फ पे ही चल रहे हैं हम। तो ये है वो केबल कार और यहाँ का नज़ारा भी बहुत अल्टीमेट है। लेकिन आपको पता है अभी 2 केबल कार अपन यहाँ पर चेंज कर सके हैं। अब ये तीसरी वाली यहाँ से है, ये और ऊपर की साइड में लेके जाती है भाई। अब ये कहाँ ही लेके जाएगी समझ नहीं आ रहा। अब सीधा क्या भगवान के पास है, यमराज के पास ले आई, कहाँ ले जाएगी यार, इतना ऊंचा है यार ये तो हद से ज़्यादा, मतलब बहुत ही हो गया अब तो। और ये देखो एकदम बर्फ पे घूम रहे हैं मस्त अपन, कोई टेंशन नहीं, नॉर्मल शूज़ हैं हमारे और नॉर्मल शूज़ में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पर, क्योंकि बर्फ जो है ना एकदम ठोस हो गई है, तो ऐसा है नहीं है कि इसमें पैर वैर धंस जाएँ, ऐसा सीन नहीं है। और ये पूरी बर्फ की चट्टान। तो सोलो ट्रैवलर होने का अफसोस पता है ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर मन लायक फोटो और वीडियो ना बन पाए। अब यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बन सकती है ना, बट बनाने वाला कोई नहीं है ना। बात ये है, किससे बोले, एक दो लोगों से बोला, ट्राई किया, बट वैसा नहीं बन पा रहा जैसा चाहिए। लेकिन अब उनको भी हम, एक तो लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा है, और जैसे तैसे हम थोड़ा बहुत समझा रहे हैं, हो रहा है काम, बट वैसा काम नहीं हो पा रहा। खैर कोई नहीं, कभी अपने कश्मीर में करवाएंगे बेहतरीन फोटोशॉप। खैर अभी तो ये है भाई व्यू बहुत ही शानदार। अब यहाँ से और ऊपर जाने का है लेकिन हम ऊपर जा नहीं रहे, अब चलो वापस चलते हैं क्योंकि हमको और भी काम निपटाने हैं अलमाटी में थोड़ा सा, उसका ये वीडियो भी फिर और लंबा हो जाएगा। फिलहाल चलते हैं, चलो केबल वेबल कार लेते हैं, नीचे चलते हैं। वैसे यहाँ पर वो वाली केबल कार ही लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये वाली तो ऐसी बस खाली घूमती रहती है, ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं इसमें, बहुत ही कम लोग आते हैं, आपको ज़्यादातर ऐसी खाली चलती हुई मिलेगी। भाई साहब अभी पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पर अपनी केबल कार एकदम रुक गई है और वापस चलनी स्टार्ट हुई। हमको लगा पता नहीं क्या हो गया यार, काफ़ी ऊंचा है ये, देखो अभी नीचे से काफ़ी ऊंचा है, यहाँ तो बड़ा डर भी लगता है थोड़ा बहुत तो। और एक चीज़ है कि ये जो पहली वाली केबल कार ली थी ना, उसके ये ग्लास वगैरह एकदम साफ थे, इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हैं, तो इतना सही नहीं है इसमें, देख रहे हो कैसा व्यू भी ढंग का नहीं आ रहा, तो ये वाला थोड़ा सा केबल कार सही नहीं है। बाकी चलो अभी जा रहे हैं हम लोग नीचे की साइड वापस से। तो भाई काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है ये जगह, और अभी जैसे नीचे की साइड जा रहे हैं ना, तो इसे फ्लाइट नहीं लैंड होने से पहले कान में ऐसे बंद होने लगता है, वो कुछ प्रेशर टाइप का पड़ता है, वैसा ही पड़ रहा है इधर भी, ऐसे ही सीन है भाई, एकदम कानों में अजीब सा लग रहा है, ऐसे फ्लाइट में लगता है। हम कैब करके वापस निकल गए हैं मेन अलमाटी के लिए, और वैसे आप कैब से आ जा सकते हो मेडियो, क्योंकि यहाँ पर बस कैब से आधा घंटा लगता है और पैसा भी ज़्यादा नहीं, वही 450 रुपये इंडियन करेंसी में, और यहाँ के टेंगे की बात करें तो लगभग 2500-2600 टेंगे लगता है चार्ज। तो ये सही है भाई कि ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ जाओ यहाँ से केबल कार लो और सीधा ऊपर, तो बढ़िया हिसाब किताब है यहाँ पर घूमने के लिए, सीधा सीधा है, सिंपल सिंपल, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। चलो अब हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। बाकी आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।